दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कक्षा सातवीं विषय हिंदी, संज्ञा के भेद। यह व्याकरण का प्रकार है। संज्ञा क्या कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद देखेंगे हम। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि जो है, यह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र, हिंदी, रामायण आदि। आगे का प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, वीरता, भलाई, मिठास आदि जो है, यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। चौथा प्रकार है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भीड़, परिवार, गुच्छा, टुकड़ी आदि। पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य यानी धातु या पदार्थ बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तेल, गेहूं, सोना, लोहा आदि। यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आज हमने यह संज्ञा के भेद देख लिए हैं। धन्यवाद।